Here we start breast self examinations. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Aarti Parakhane, lecturer of Indore Nursing College. इस क्लास में हम देखेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और हम अगर हमें दूसरे को गाइड करना है तो हम किस तरीके से गाइड करेंगे. जैसे आप पोस्टिंग पे जाते हो, किसी फीमेल को गाइड कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ एन इनएक्सपेंसिव, रिस्क फ्री, प्राइवेट एंड रिलेटिवली सिंपल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर्स और एबनॉर्मलिटीज़. सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि ये जो फीमेल से वुमन से वो खुद ही करती है. रिस्क फ्री होता है क्योंकि इसमें सिर्फ इंस्पेक्ट और पल्पेशन की मेथड होती है तो कुछ रिस्क के चांसेस भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट है प्राइवेट, इसमें ये प्राइवेटली करते हैं, प्राइवेसी में करते हैं. वुमन अपने घर में भी कर सकती है, अपने घर में भी ही करती है. हर मंथ मतलब वुमन को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए. एंड रिलेटिवली सिंपल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर एंड एबनॉर्मलिटीज. ये इसका इससे हम क्या एग्जामिन करते हैं कि इस और सिंपल मेथड होती है इसमें, जो कि क्या होता है कि कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है और अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है फीमेल्स में तो उसको भी डिटेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट है वुमन शुड बी एडवाइज टू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़. वुमन्स को एडवाइस करना चाहिए कि उनको हर मंथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़, नॉट ट्यूमर्स और कैंसर्स. नेक्स्ट डे अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं. ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, इसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इन इंक्लूड इंस्पेक्शंस एंड पल्पेशन करते हैं. इन बोथ स्टैंडिंग एंड लाइंग पोजीशंस, दोनों पोजीशंस में करते हैं. सबसे पहले स्टैंडिंग एंड लाइंग पोजीशंस में इंस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने इंस्पेक्ट करते हैं. देन पल्पेबल इंटायर ऑफ द ब्रेस्ट, जो पूरे ब्रेस्ट है, दोनों ब्रेस्ट को, इंटायर ब्रेस्ट को और उसके आसपास सराउंडिंग एरिया को पल्पेबल करके देखते हैं. नेक्स्ट डे गाइडलाइंस और स्टेप्स ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए इसमें जो वुमन है वो मिरर के सामने खड़ी है. ठीक है, और सिर्फ इंस्पेक्ट कर रही है, चेक कर रही है कि उसके जो दोनों ब्रेस्ट है वो उनका साइज़ शेप एक जैसा है कि नहीं है. ठीक है, उसमें कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, पुकरिंग तो नहीं हो रही है, निपलिंग तो नहीं हो रही, स्केलिंग तो नहीं हो रही है. पुकरिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ की स्किन में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, स्किन जरों से ज़्यादा पतली तो नहीं है वहाँ पर. और स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जो स्किन है उसमें कुछ वुंड टाइप तो नहीं हो रहा है, कुछ स्कैर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है. ठीक है, स्टैंड फॉर अ मिरर, इंस्पेक्ट बोथ ब्रेस्ट फॉर एनीथिंग अनयूजुअल सच एज एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल और पुकरिंग, डिम्पलिंग, स्केलिंग ऑफ द स्किन. ठीक है, देखो ये जो फीमेल्स है वो कैसे किस टाइप से खड़ी है, और पहले वो साइज एंड शेप चेक कर रही है. ठीक है, फिर कहीं डिस्चार्ज फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ अननेसेसरी पकड़िंग डिम्पलिंग तो नहीं दिख रही है उसके स्किन पर, वो चेक कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में पहले आप फीमेल को देख लीजिए किस तरीके से खड़ी है. इसमें देखिए, वॉच क्लोजली इन द मिरर, क्लैप एंड योर हैंड बिहाइंड योर हेड एंड रेज योर हैंड फॉरवर्ड, नॉट एनी चेंजेस इन द काउंटर ऑफ द ब्रेस्ट. उसके बाद फीमेल अपने जो दोनों हैंड है उसको अपने जो हैंड है उसको हेड के पीछे करके खड़ी है. ठीक है, और वो काउंटर चेक करे ब्रेस्ट का सिंपली खड़े होके. ठीक है, बस इंस्पेक्ट कर रही कि कुछ काउंटर में अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कुछ कलर अलग तो नहीं दिख रहा है, साइज़ शेप अलग तो नहीं दिख रहा है. अगर इसमें से उसको साइज़ शेप अलग दिख रहा है, जैसे कि ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा है, तो या फिर यहाँ पे उसको हल्का सा नॉट टाइप दिख रहा है साइज एंड शेप में, तो डिटेक्ट कर लेगी कि इसको कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है. नेक्स्ट स्टेप में देखिए पहले फीमेल को किस तरीके से खड़ी है वुमन को. इसमें नेक्स्ट, प्रेस योर हैंड फ्रॉमली ऑन योर हिप
पहले उसको हिप पर हाथ रखने अपने एंड बो स्लाइटली टूवर्ड द मिरर, पुल द शोल्डर एंड एल्बो फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो किस तरीके से खड़ी है। इसमें भी ये साइज एंड शेप ही चेक कर रही है टूवर्ड स्लाइटली बो होकर, ठीक है, मिरर के उसमें ये देखेगी कि टू वर्ड्स होकर कि कुछ साइज शेप में कुछ एबनॉर्मिलिटीज तो नहीं दिख रही है, कुछ स्क्वायर फॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। टू और थ्री स्टेप मोस्टली सेम ही है दोनों में, वो सिर्फ साइज एंड शेप ही चेक करती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, प्रेस योर लेफ्ट आर्म। सबसे पहले उसको लेफ्ट आर्म को उठाना है। ठीक है, इसमें इमेज में देख लीजिए, यूज़ थ्री और फोर फिंगर यूज़ कर सकते हैं। योर राइट हैंड टू फील लेफ्ट ब्रेस्ट, राइट हैंड से वो लेफ्ट ब्रेस्ट को फील कर रही है, देख रही है केयरफुली, फर्मली कर रही है। ठीक है, उसमें वो क्या देखेगी कि सर्कुलेशन मोड में ही, देखो ये सर्कुलेशन मोड में वो देख रही है। सबसे पहले उसको आउटर एज से इनर एज में आना है, जैसे कि ये उसका ब्रेस्ट है। ठीक है, तो उसको आउटर एज से फिर इनर एज में आना है। ठीक है, इस मोशन में बैगनिंग एट द आउटर एज, प्रेस द फेल्ट पार्ट ऑफ द फिंगर इन स्मॉल सर्कल। उसको फिर फेल्ट जो पार्ट है उसको वो स्मॉल सर्कल में फील करेगी कि कहीं पे कुछ नॉट तो नहीं है, कुछ ट्यूमर तो नहीं है। मूविंग द सर्कल स्लोली अराउंड द ब्रेस्ट, उसको जो पूरा सर्कल है वो पूरे ब्रेस्ट पे अराउंड करना है। ठीक है, ग्रेजुअली वर्क टूवर्ड द निप्पल, बी श्योर टू कवर द एंटायर ब्रेस्ट, पे अटेंशन स्पेशल अटेंशन ऑन द एरिया बिटवीन द ब्रेस्ट एंड द अंडर आर्म्स। उसको देखिए क्या करना है, जो होल ब्रेस्ट है सबसे पहले उसको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है, अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट वाला जो जॉइंट वाला एरिया है उसको स्पेशल वहाँ पे अटेंशन देना है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कैंसर के चांसेस इस एरिया में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ भी होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग द अंडर आर्म्स इटसेल्फ, फील फॉर एनी यूजुअल लम्फ और मास अंडर द स्किन। उसमें क्या चेक करना है, लम्फ चेक करना है और मास चेक करना है। अगर अनयूजुअल उसको वहाँ पे स्वेल दिख रहा है या उभरा हुआ दिख रहा है तो उसको इमीजिएटली डॉक्टर को ये चीज़ बताना चाहिए। नेक्स्ट है फाइव स्टेप्स में देखिए, जेंटली स्क्वीज द निप्पल एंड लुक फॉर डिस्चार्ज, इफ़ एनी डिस्चार्ज इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द मंथ देन कॉल डॉक्टर, रिपीट स्टेप्स 4 and 5 ऑन राइट ब्रेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है कि फिर निप्पल को स्क्वीज मतलब दबा कर देखना है, जो ये निप्पल है। ठीक है, इसको उसको हैंड से दबा कर देखना है कि कुछ ब्लड डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, जो 4 or 5 steps से वो उसको राइट ब्रेस्ट पर अप्लाई करनी है। ठीक है, हमने लेफ्ट ब्रेस्ट का बता दिया था किस तरीके से करना है, अब जो सेम स्टेप से वो किस पे करनी है, 4 or 5 steps राइट ब्रेस्ट पे करनी है। ठीक है, उसके बाद सिक्स स्टेप में क्या करना है, उसको जो वुमन है उसको सिंपली लाई हो जाना है, लेट जाना है। देन क्या करना है उसको राइट आर्म उसको मतलब किसी भी हैंड से कर सकती है वो। ठीक है, प्रोसेस शुड बी रिपीटेड लाइंग डाउन, सबसे पहले उसको लाइंग डाउन हो जाना है, लाई फ्लैट ऑन योर बैक राइट आर्म। उसके बाद देखो उसने जो राइट आर्म है वो उसने बैक कर ली, पीछे साइड कर ली। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑन योर बैक राइट आर्म ओवर योर हैंड एंड स्लोली दिस पोजिशन फ्लैटन द ब्रेस्ट, मेक टू इजियर टू एग्जामिन, यूज द सेम सर्कुलेशन मोशन डिस्क्राइब्ड अबव, रिपीट ऑन योर राइट ब्रेस्ट। उसके बाद उसको क्या करना है, ठीक है, देखो ये उसको है ना, जो उसके ब्रेस्ट है उस पर सर्कुलेशन मोड में ही उसको जो प्रोसेस थी उसमें ही उसको सर्कुलेशन मोड में चेक करना है कि कहीं लम्फ तो नहीं हो रहा है, कहीं पर एडिमा तो नहीं है। ठीक है, और फिर ये जो स्टेप्स है ये उसको वापस से राइट ब्रेस्ट पर अप्लाई करनी है। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगी, आप उसको देख लेना, तो थोड़ा उसमें
जो बोलने स्टेप्स है वो थोड़ी अलग है, लेकिन आगे पीछे लेकिन स्टेप्स से सेम ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।